जाते हो बताइए। हेलो विलंब न करो, अगर तू मुझे अपने हाथों से भिक्षा दे दोगी तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। मैं अपने हाथों से आपको भिक्षा दे दूंगी तो आप मेरे साथ रह जाइएगा। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मंत्री जी आप जाइए भिक्षा लेकर के आइए और मैं अपने स्वामी के अपने हाथों से भिक्षा। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा नाक फकीर ये सिंहासन चढ़ चले एक बंदे। भजन बनत नहीं मनमा बरानी भजन बनत मनमा बरानी भजन बनत नहीं भजन बनत नहीं भजन करो और अपने हाथों से भिक्षा दो। हेलो दिहाबा का दिहाबा ये संग
अलख निरंजन अलख निरंजन, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। आज दीन बिकी जाना स्वामी, स्वामी नहीं बाबा कह करके भिक्षा दो मुझे, तो मुझे भिक्षा देने के लिए बाबा कहना होगा, बाबा कह करके चाहिए तो ठीक है। हाँ ये बाबा जी आज भिक्षा दे दिया, ये बहन चिंता चल देते। बताइए मंत्री जी, मैं अपने स्वामी को भी स्वामी नहीं कह पा रही हूँ, मैं अपने स्वामी को बाबा के रूप में भिक्षा दे रही हूँ। विलम्ब न करो स्वामी के लिए और बाबा कह करके भिक्षा दो। दिहाबा दिहाबा गुरु गोरखनाथ। अन्न तरिसता टूटल रे दैवा, आय अपन नागरिया हो भगवान। मेरी पुताओं को क्या हो गई? माँ मंत्री। हाँ बेटा माँ मंत्री। हाँ दादी माँ। वो चौकी का किधर गया? आए वो बाबू कन्या गले, वो बाबा जी आका जग निकली गले, वो पिछवाड़ गया पिछवाड़, उसे दौड़ कर उसे पकड़ के ले आओ। अरे बाबा जी मेरी पुताओं को क्या कर दी वो भगवान ने क्या ला? अरे तो महारानी जी का ये चौकी है। ओ बाबू यहाँ बाबा जी आप फूकी फाकी दिल ये आ गए माँ मंत्री। हाँ महारानी जी, महारानी जी खत्म हो गया। मैं इसको नहीं फूका हूँ बउआ, मैं नहीं फूका हूँ, मैं नहीं फूका हूँ, फूका हूँ वो नहीं भगले। सुनो की भगले, पहले मुझे देखने दो, बच्चे सब इसको खाली कर दो, आप लोग बैठ जाइए, पहले मुझे इसे देखने दो। आप इधर से बैठिएगा, जेंट्स आदमी तब ना देखिए महिला जेंट्स कितना है। बैठ जाइए आप लोग, कम से कम आप लोग बैठ जाइए, आगे आदमी बैठेगा तब ना पीछे बैठेगा, आप लोग बैठ जाइए, बिल्कुल साफ होकर बैठ जाइए, बैठ जाओ बच्चा बढ़िया से बैठ। अरे बउआ मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। थोड़ा चेक बाबू, हल्का है और नहीं हो जाएगा।
बाबू कौन हम सटाए का अलख निरंजन अलख निरंजन भैंसी के गोबर मैं देख लिया इसे माँ इसे कुछ नहीं हुआ है बेटा क्या ये अपने पति के विरोध में कोमा अवस्था में चले गई है क्या कोमा अवस्था में हाँ माँ ये कोमा अवस्था में है एक काठ का बक्सा बनवा करके इसे ठिकाना लगा करके उस बक्सा में आप उसे रखवा दें जिस दिन मेरा श्राप मुक्त हो जाएगा गुरुदेव के इच्छा अनुसार गुरुदेव के कृपा से मैं इसे जीवित कर दूंगा ठीक है अगर जीवित अलगरी नागरी अलग पीछा